मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव है जिसकी कैपेसिटी है 16 GB। चलिए फ्रेंड देखते हैं विंडोज 11 कैसे मैं यहाँ पे पोर्टेबल बनाता हूँ। गूगल पे चलते हैं, टाइप करते हैं रूफस। ये बहुत ही स्मॉल सा सॉफ्टवेयर है, इसको कर लेना है आपको डाउनलोड। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको कर लेना है आपको रन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको रन कर लीजिए, ओपन होते ही अभी आपको करना है क्या, विंडोज 11 का ISO फाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं विंडोज 11 का फाइल डाउनलोड बड़ी आसानी से। इसके बाद आपको पार्टीशन स्कीम, मतलब जिस सिस्टम को आपको, जिस लैपटॉप को, कंप्यूटर को आपको फॉर्मेट करना है, उसका पार्टीशन स्कीम GPT है या फिर MBR, ये जरूर चेक कर लेना है। कैसे, डिस्क मैनेजमेंट में जाइए, डिस्क मैनेजमेंट में जाके यहाँ पे डिस्क पर राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। अभी आपको दिखेगा कि पार्टीशन स्कीम टाइप क्या है, MBR, उसको उसी फॉर्मेट पर रखना है आपको। अभी आपको स्टार्ट कर लेना है, ओके कर लेना है, और इसके बाद आपको जो पेन ड्राइव है वो रेडी हो चुका है। अभी आप किसी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं।